हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बड़वाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूजॉटा ब्लॉग। दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा की मोस्ट पॉपुलर एसयूवी महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक कुछ ही महीने पहले लॉन्च हुई थी दो वेरिएंट्स में, S1 इसका बेस वेरिएंट एंड टॉप इन वेरिएंट S11। और आप लोगों को ये जानकर बहुत खुशी होगी दोस्तों, महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के एक और वेरिएंट अब लॉन्च होने वाली है जो कि 7 सीटर और 9 सीटर में आने वाली है। जहां तक इसके डिज़ाइन डायनेमिक्स की बात करें तो बिल्कुल एज इट इज़ रहने वाले हैं S11 की तरह ही, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। LED डे टाइम रनिंग लाइट, LED प्रोजेक्ट हेड लैम्प, फॉग लैम्प सब कुछ मिलने वाले हैं। और इसके साइड प्रोफाइल में व्हील साइज सब कुछ सेम एज इट इज मिलने वाले हैं दोस्तों। वहीं इस वेरिएंट का नाम होगा S5। जी हां दोस्तों, जो कि भरपूर सेफ्टी फीचर एंड फीचर से लैस होने वाली है। रूफ रेल भी आपको देखने को मिलेगा और इसके साइड प्रोफाइल में आपको सिल्वर कलर के अलॉय व्हील देखने को मिलेगा। काफी शानदार चारों ओर बॉडी क्लैडिंग आपको यहाँ पे बॉडी कलर के रूप में देखने को मिलेगा, जैसे कि करंट वेरिएंट में दिया गया है एम हॉक की यहाँ पे बैचिंग। ORBM आपको ड्यूल टोन बॉडी कलर एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में, फ्रंट में वाइपर। रूफ लाइनिंग की अगर हम बात करें तो उस वेरिएंट में भी आपको रूफ रेल देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको एंटीना दिया गया है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। बी पिलर सी पिलर पूरी तरह ब्लैक आउट रहने वाले हैं। ग्रैब हैंडल भी आपको बॉडी कलर में ही मिलने वाले हैं इस वेरिएंट में। वहीं रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो बहुत ही शानदार टेल लैंप यूनिट करंट वेरिएंट की तरह ही मिलने वाले हैं। इंटीग्रेटेड स्पॉयलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, डिफॉगर एंड रियर वाइपर आपको एज इट इज मिलने वाले हैं करंट वेरिएंट की तरह ही। और इसमें आपको टेल गेट पे रिवर्स पार्किंग कैमरा भी देखने को मिलेगा और टेल गेट के राइट साइड वेरिएंट की बेजिंग यानी S5 की बैजिंग आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इस वेरिएंट में S11 लिखा हुआ है, स्कॉर्पियो क्लासिक एज इट इज रहने वाले हैं इसके बैजिंग। इसके अलावा रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिलने वाले हैं, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। और सबसे बड़ा बदलाव आपको यहां पे बूट गेट ओपन करते ही देखने को मिलेगा। जैसे कि करंट वेरिएंट में आपको कुछ इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, लेकिन जो S5 है उसमें आपको थोड़ा सा जो TUB+ आपने देखा होगा उस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 2+3+4 पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट आपको 9 सीटर के रूप में देखने को मिलेगा। और इसमें आपको BS6 कंप्लायंट स्टेज 2 RDE E20 कंप्लायंट 2.2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि काफी जबरदस्त पावर फिगर के साथ आने वाली है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा इसे पोजीशन करेगी S1 और S11 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, ये थी दोस्तों स्कॉर्पियो क्लासिक S5 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोज़ाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज़, रिव्यूज़, टेस्ट ड्राइव्स, वर्कराउंड्स, कंपेरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।